फौज पार्टियों की मुसीबत बढ़ा रही है, साथ ही खुद उनके टिकट पर भी संकट के बादल बनकर मंडरा रही है। हर सीट पर टिकट की चाहत रखने वालों की लंबी लाइन है। जालौर की हर विधानसभा सीट पर दो दो तीन तीन दावेदार हैं और इस वजह से पार्टी के भीतर गुटबाजी भी खूब दिख रही है। जालौर की आहोर, भीनमाल और सांचौर विधानसभा सीट पर तो नए दावेदारों ने कई दिग्गजों की नींद अभी से उड़ा दी है। नए दावेदारों में कुछ ने तो अपने कार्यालय भी खोलने शुरू कर दिए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सूबे में सबसे बड़ी सियासी हलचल इस वक्त टिकट दावेदारी की है। आलम यह है कि दावेदार पार्टियों के लिए सिरदर्द साबित हो रहे हैं। इधर दोनों बड़े दलों के शीर्ष नेतृत्व ने नामों पर असहमति जताते हुए दोबारा मंथन के लिए कह दिया। दिवाली के पहले पहली सूची के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन अब दीपावली के बाद ही सूची आने की संभावना है। बात अगर जालौर जिले में आने वाली विधानसभा सीटों की जाए तो सांचौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से दावेदारी कर रहे वर्तमान विधायक सुखराम बिश्नोई का टिकट पक्का माना जा रहा है, तो वहीं पूर्व विधायक हीरालाल बिश्नोई भी इस बार कांग्रेस के टिकट से चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। इसको लेकर बाकायदा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, जबकि दानाराम चौधरी सांचौर सीट पर बीजेपी के दावेदार के तौर पर अपना दम दिखा रहे हैं। सांचौर की जनता को सेवा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और सतीश कोम ने मुझे सबने सहयोग दिया है, सबने बोला है आप आओ और जो हमारी सांचौर में जो कमी रही है, जो हमारे यहाँ जो कमी है लाइट पानी की चिकित्सा की, वो मैं मेरे हिसाब से मैं मेहनत करूँगा और हम यहाँ पे जो हमारे कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे यहाँ काम किए बहुत बढ़िया काम किए, जो कमी रही है जो हमारे विधायक जी सांचौर से थे उन्होंने ज़्यादातर धरनों में ध्यान दिया है और हमारी सतीश कोम को सबको साथ लेके चलूंगा। भीनमाल सीट पर बीजेपी के दावेदारों के बीच कांग्रेस में भी खूब खींचतान मची है। कांग्रेस के रमेश पुरोहित तवाब भीनमाल सीट पर दावेदारी कर रहे हैं तो कांग्रेस के ही जिलाध्यक्ष समरजीत सिंह भी दावेदार के तौर पर चुनौती पेश कर रहे हैं। उनके पीछे जैसे यहाँ की जो मूलभूत समस्या है, जैसे पानी है, बिजली है, शिक्षा है, चिकित्सा है, सड़कें है, ये विजन लेके हम निकले हैं और जो भी लोगों की जो मूलभूत समस्या है उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे और कैसे प्रयास करेंगे वो भी लेके हम लोगों के सामने जाएंगे। मुख्य क्या विजन है आपका? मुख्य विजन, पहला विजन तो पानी का है, उसके बाद में जो विजन है वो शिक्षा का है, चिकित्सा का है और जो सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, परिवहन की समस्या है और किसानों की बड़ी समस्या है, रेलवे की समस्या है जो मूलभूत से बिल्कुल ना के बराबर यहाँ पे यहाँ की जनता को सुविधा नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी के मुद्दों को लेकर उतरेगी, किसान के वर्ग मुद्दों को लेकर उतरेगी। जो पिछले 5 साल में वसुंधरा जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने जो झूठे वादे किए लोगों के बीच में और जो वादे पूरे धरातल पे एक भी पूरे नहीं हुए, चाहे किसानों की समस्या को देख लें, आप किसानों की हालत खराब है, ना उनकी उपज का उनको कीमत मिल रही है, ना उन्हें पानी मिल रहा है सही समय पे, ना बिजली मिल रही है, इसी तरह से आम आदमी की तकलीफ देखिए आप।